मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो ये हिमशी के स्टाइल में थी गुड मॉर्निंग। और आज का दिन, हाँ मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ आपको। देखो हिमशी का पीछे से एकदम रिप्लाई आया है कि देखो मेरे को कॉपी कर रहे हो। तो वैसे भी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं। हिमशी को दिखाता हूँ मैं वो क्या क्या कर रही है, क्योंकि अभी भैया दिल्ली निकल रहे हैं और हमें निकलना है फंक्शन में। तो आज नाबू गेस्ट बन के जा रहा है एक फंक्शन में। अच्छा, होस्ट बन के जा रहा है। नवाब होस्ट है, गेस्ट को रिसीव करना है। हाँ, नवाब आज एक पार्टी में होस्ट बन के जा रहा है। और मैं दिखाता हूँ आपको कालू जी को और नाबू। हमारे कालू जी आ गए सारी बंदिशें तोड़ के, जैसे देखा नवाब को घूमते हुए। ये देखो इसको पागल को, बदतमीज को, मेरे ऊपर ही मिट्टी डाल दी पूरी। तो नाबू पागल पुगल भी है क्या यार? ये देखो, इधर भोलू और इधर कालू। कोई दिख रहा है? चला गया, इधर आ, आजा लड़के। अच्छा नहीं बना रही वीडियो। ऐसे क्यों देख रहा था पहले ये बता, ऐसे क्यों देख रहा था? क्या देख रहा? ब्लिंकिट तेरे को लेना था तो फिर पेटीएम भी तुझे ही करना पड़ता। जो ब्लिंकिट रिसीव करता है वही पेटीएम करता है। वो चल रहा है ब्रेकफास्ट का। यहाँ पर कालू जी खा रहे हैं अपना खाना और इधर भैया जी खा रहे हैं अपना खाना। अब तो भैया को भी आदत हो गई है कैमरे की। भैया खा रहे हैं आलू का पराठा विद दही। और ये सुबह मैं काम कर रहा था, थोड़े गैजेट्स बाहर ही रखे हुए हैं। इधर सपना ने भी पोंछा लगा दिया पूरे घर में। और हिमशो बना रही है यहाँ पर। हेलो हिमशी जी, क्या हाल चाल आप सब? आप अरे सभी को सुप्रभात सभी को। विद आलू पराठा, पराठा खा लो। और हमारे ताशु भैया को दिखाऊं, ताशु भैया क्या कर रहे हैं? पहले तो नाबू भैया को दिखाऊं। ये तो सिर्फ कालू जी दिखे हैं अभी तक। बैठा है अंदर क्योंकि लग रहा है बाहर पहुंचा। अरे इसका क्या काम है? जैसे पहुंचा लगता है, मतलब कपड़े वगैरह से हम लोग बेड पे रखते हैं ना, तो ये सीधा उठ के उसी में पहुंचता है। तो इसको बंद कर दिया हम लोगों ने, है गुड्डा। साथ साथ आप दिखाते हैं मैं आपको ताशो जी। ताशो जी और गोलू जी बाहर। अरे वो कितना फंक्शन में जाने के लिए। भाई मैंने भी धोई थी ताशो, है ना गाड़ी? पानी किसने मारा था? मैंने ना। हाँ मैंने पानी मारा, मैंने धोई। और अब ताशु क्या है, ताशु कर रहा है इसको ऊपर से एक बार कपड़ा मार रहा है ताकि थोड़ी ज्यादा चमक जाए। पानी गलत मार दिया मैंने। है कालू जी, कालू नाबू एंड गोलू जी। गोलू जी जल्दी जल्दी खा ले, आपको भी खाना है। कह रहा है यार पापा मेरा खाना सबको देते रहते हो। हैं इसको ये दिया मैंने पेडिग्री वाला, क्योंकि इसको ना भी न्यूट्रिशन की थोड़ी नीड है। बट देखो इसके ना नखरे बढ़ गए हैं आजकल, खाना खा नहीं रहा था। नहीं, तो मत फिर, ले तू। फिर क्या किया कालू ने, उसका खाना खाना स्टार्ट किया जाके। तो जैसे मैं फिर मैंने कालू को पकड़ा तो गोलू ने खाना स्टार्ट किया। वो देखो वो इंस्पेक्शन कर रहा है, वो देखो वो देख रहा है कि भाई सही से हुई है नहीं हुई है। है ना अबू, जाना है आपको भी आज, है ना? सही हो रही है? और अभी ना इतनी गर्मी नहीं है, अभी दोनों तीनों बच्चे बाहर मजे से घूम रहे हैं। देखो देख कहाँ बैठा है वो, पकड़े गए। पता है हुआ क्या हिमशो? ये ना देखो 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 ये ऐसे आया, ऐसे आके ना उसने देखा शिट यहाँ तो मैं हूँ, वहाँ ताशु है, तो ताशु से जैसे खतरा था नहीं। ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, इसने इधर आया आके ना ऐसे मेरे को देख रहा खड़े होके। इसको लगा कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ, देख नहीं रहा है ना। आके ना ऐसे इसके लिए सर का यहाँ आके बैठा और बैठ के चुप से खड़ा हुआ और एकदम इधर फिर भी पकड़ा गया। आप पकड़े गए बेचारा, बचता फिरता है हमसे। आप पकड़े गए, सब मुझे को साफ पता चला कि पकड़ा जा चुका है। बुद्धा आपको इधर देखो, आपको इधर जाना था, आप रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, आपको इधर जाना था। ये देखो भाई हम लोग भी रेडी हो गए एकदम मस्त नहा धो के। ताशु तो आज इतना नहाया कह रहा देखो बुई लग रहा हूँ ना मैं गोरा। ताशु ने ना फेस वॉश ही खत्म कर दिया। और अब नाबू का ब्रश हो रहा है क्योंकि नाबू भी एकदम जेंटलमैन बन के जाएगा मेरा बेटा। अच्छा इसको बो कौन सी लगाए? तो यहाँ पे नाबू की ब्रशिंग स्टार्ट, सारे में पेस्ट लगा के इसके बाद में रगड़ा मारो रे। ये नाबू की बो कलेक्शन। हाँ ये नाबू की बो कलेक्शन है। एंड देट, हाँ ये दिखाई, आइए तो नाबू क्या पहने। हाँ ये टक्सीडो है इसका। तो ये जो नाबू का रगड़ा चालू है, रगड़ा कराता कितने आराम से देखना ये, और साथ साथ इसकी टंग चलती रहती है भी। देखना ये देखना ये अंदर जहाँ खाता है। मीठा मीठा खाते हो आप? हाँ
तो अभी जो फिलहाल नाबड़ी लगाई हुई है ये वाली स्काई कलर की। अब हमारा लड़का पहन रहा है टक्सीडो, खुश कितना हो जाता है ये सब काम में। क्या ताकि व्लॉग में आ सके, है ना। नाबू को देखो, नाबू का मुंह देखो बिल्कुल। नाबू भाई, नाबू तो रोहन के चेहरे पे खास है, गैस करो क्या है। बिजली इतनी बड़ी तो चीज है नहीं, बट फिर भी गैस करो। काफी बड़ी है यार, जब जिसके साथ होती है ना उसे पता होता है, वैल्यू तभी पता चलती है। आज मैंने 1.5 महीने बाद दोनों पैरों में शू पहने एक साथ। हाँ 1.5 महीने अब एकदम आया कर, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो। अभी इसी टक्सीडो पहना दिया इसको, ताशु भी ना। वाह, तो वहाँ जाके चेंज करोगे ना। चलो ठीक। हाँ जी, तो हम लोग निकल गए हैं फंक्शन के लिए और यहाँ पे अपनी पलटन, ताशु चेक, फुफू चेक और नाबू को हम लेके मेरा पेट भी चेक और रोहन का पेट भी चेक, जो रोहन ने बड़ी मुश्किल से 40 दिन में खा पी के ठूस ठूस के अच्छे से निकाला है सब चेक। खाया तो उतना कुछ ज्यादा नहीं है बट, और मैं गॉगल्स नहीं लगा, गॉगल्स बोल रही हूँ, मैं चश्मे नहीं लगाऊंगी अभी। लेकिन मैंने, मेरे से ना एक गलती होगी, मैंने सुबह से चश्मे लगाने नहीं चाहिए थे, सुबह से चश्मे लगा रखे थे, अब मैं जैसे ही चश्मे निकाल रही हूँ तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है मुझे, पर मैं लगा ही लूंगी यार, क्या ही फर्क पड़ता है। मेरी कौन सी शादी होनी है, जिससे होनी थी हो गई। तो हम लोग पहुंच गए फाइनली मायरा के पास और मायरा बिल्कुल भी रेडी नहीं है। अरे मायरू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कैसे स्माइल कर रहे, कैसे स्माइल कर रहे। वो तो है ना, वो ये तो पहनना पड़ेगा ना सपोर्ट के लिए। अभी तो मायरू नमस्ते करा, कैसे पता ही नहीं चला। अरे उसको तो ताड़ लो भाई। माय जी, अरे वो बेचारा गर्मी में छोड़ दिया तुमने। हम यहाँ पे एक चीज नजर आई है जो हमारे घर के लिए एकदम परफेक्ट लग रही है, तो रात को जाते हुए फिर यहीं से चोरी गमले चुरा लेंगे। यहाँ से ही जाएंगे गमले फिर, है ना। तो हम लोग पहुँच गए अपने वेन्यू पे, नवाब आया सबसे पहले चेक करने और यहाँ पे मायरा का बर्थडे कार्ड, हैप्पी बर्थडे मायरा। तो हम लोग पहले आए हैं, अश्विनी भैया ने हमें सबसे पहले बुलाया था क्योंकि हमें यहाँ पे आके सब प्लान करना है, तो ऐसा कुछ सेटअप हुआ है। हैप्पी बर्थडे, और यहाँ पे मायरा, वाओ। बैलून्स बचा के रखने ताशु, आपको ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, जब तक केक नहीं कटता उसके बाद में छोड़ देंगे। फाइनली रोहन भी जा रहे हैं रेडियो के शू पहने। एक बात कहेंगे आपसे, क्या जो ऐसे ये अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल वॉक अच्छी नहीं लग रही है रोहन की, क्योंकि अभी बहुत फर्क है। अभी तो मतलब सिर्फ फंक्शन के लिए रोहन ने पहन लिए शू, तो ये आज मैंने पूरे 40 दिन बाद शू पहने दो, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार शू में दोनों एक साथ पहने हुए। अच्छा लग रहा है ना। चलो इधर से आना, फोटोग्राफर भैया है, तो उन्होंने बोला कि मैम आप ना, आप और उसको अभी पता नहीं है नवाब का नाम क्या है, तो डोगी ना साइड में बैठ जाओ, तो मुझे ना शॉट लेना है, वो शॉट लेते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चेयर पे आके बैठे और ये भाई साहब बिल्कुल सामने ऐसे आके बैठे, जैसे इसने सुन लिया और इसको पता है कि भैया क्या बोल के गए। और अभी पता क्या, इसकी ये हार्नेस मैंने निकाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप जितने बैलून देख रहे हो ना, आप सबको पता ही है नवाब का कंट्रोल नहीं है बैलून फोड़ने पर, तो बच्चे का बर्थडे है तो पता चले कि केक कटने से पहले नवाब ने बर्थडे मना दिया, ठीक है। वेलकम टू मायराज बर्थडे, वाओ। मेरे हाथ में आ चुका है, नवाब यहाँ पे रेडी है, यहाँ पे नाबू की मम्मा और ताशु भी रेडी है, और नाबू से बचाए जा रहे हैं यहाँ पे बैलून्स। बैलून्स बचाने के लिए जो बच्चा है वो है हमारा ताशु, थारा भाई ताशु, आपको नवाब से बैलून्स बचाने हैं। यार यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा था तो मैंने छिड़वा दिया, अब मैंने छिड़वाया तो क्या ये छिड़ गया, ये जलना ही बंद हो गया। मेरे को लग रहा है प्रोजेक्ट हो गया है। हेलो गाइस, तो आप इस बीच में मैं था बताशु, आपको अच्छा लग रहा होगा। वैसे जरा ये बार अपना इनसे खोलिए और उसमें सब्सक्राइब था बताशु, प्लीज फॉलो इन सपोर्ट, फॉलो प्लीज, फॉलो फॉलो इन सपोर्ट, और मेरा YouTube चैनल भी है था बताशु, प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट। अरे भाई ये सही था, ये सिर्फ हिमशू अच्छी लगती है, आज मैं भी अच्छा लग रहा हूँ, कभी कभी होता है लेकिन ऐसा। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पीछे फोटो रखी है ना पीछे,
तो रोहन को ये सेटिंग समझ नहीं आई थी, मायरा खाली अकेला रखा हुआ था, इसके पीछे बेस भी नहीं था, फोटोज में नहीं आ रहा था, और बेस भी अच्छा नहीं बन रहा था, और रोहन है इवेंट मैनेजर, एक्सपर्ट हूं मैं इसमें, तो दोस्त के लिए इतना तो बनता है। बिल्कुल, तो अब ये हमने प्रोजेक्ट दे दिया भैया को, कभी एम की लाइट नहीं जल रही, कभी ए की लाइट नहीं जल रही, ताशु भी हंस रहा है, कभी कभी एम की एक ही नहीं जल रही थी लाइट। तो रोहन ये क्या प्रोजेक्ट ही पकड़ा दिया, तो गेस्ट भी आ गए, बस एम यही रखना है, अब पीछे रखना है बिल्कुल जैसे चिपका। तो क्यूट सी बच्ची यहाँ पे, मायरा की सिस्टर है, कजन, और यहाँ पे ये मायरा जल गया। यहाँ पे पूरी सेटिंग चेंज हो चुकी है, ये मायरा आप लोगों ने देखा था सिंपल था, उसके पीछे ये फोटोज लगवा दी, इधर ये लगवा दिया, डांस करने की टेबल हमारी पीछे करवा दी, इधर गैप करवा दिया रोहन ने, अभी उधर करवा रहे हैं, और ये जो दो कुछ बॉक्स टाइप से थे इनको सेंटर में लगवाया, रोहन भी लगवा रहे हैं। तो जो इवेंट मैनेजर का जो दिमाग होता है वो बिल्कुल रोहन का एकदम परफेक्ट चलता है, इसीलिए बंदा महारत है अपने काम में। क्या क्या बोल रहा है, मैंने ताशु को बोला ताशु मेरे को हेल्प करना ये पहनवाने में, हाँ। मैं तो इसलिए ना बैठ के नहीं पहन सकता, हाँ। कह रहा इस बार तो बॉडी भी नहीं अब तो पहन ही सकते हो, कह रहा पिछली बार तो मैं समझ सकता था। लेकिन ये पीछे म्यूजिक का कॉपीराइट आ जाएगा, है ना, खाना के बाद में है नहीं कर सकते क्या सर, मैं ताऊ जी कह रहे हैं पहले मैं खाना खा लूं, मैं नहीं रुकने वाला, और मेरा इस बच्चे को कंट्रोल करना बहुत भारी पड़ रहा है, और कंट्रोल करना क्यों भारी पड़ रहा है, क्योंकि अभी ये चाहता है ये बैलून्स ब्लास्ट करने, तो पूरा पूरा फोकस, और बैलून्स को लेके तो आप सोच ही सकते हो इस नटखट का क्या हाल है। हाँ, आपको बैलून चाहिए, बैलून चाहिए, चाहिए, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है, आओ वो अभी नहीं। तो नवाब साहब के लिए स्पेशल पनीर आया है, पनीर के पकोड़े ला के दे दिए, कह रहे देख लो बेसन खा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो छुटा दो। हाँ जी ताशु, तू नाबू के लिए जो आया खाना आया वो तू खा रहा है? नहीं, मैं खिला रहा हूँ, कह रहा फूक मार खिला रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे टाइमिंग है मैजिक शो की, वो भाई अपना रेडी कर रहे हो, मैजिक शो लेके आए हुए। ओके, सो हेलो फ्रेंड, हेलो हेलो लाउडर, चीजों में थोड़ा टाइम लग जाएगा, केक कटने में टाइम लग जाएगा, अगर केक का भी वेट किया और नवाब के फोटोशूट का भी वेट किया तो आज का व्लॉग डल ही नहीं पाएगा, इसीलिए अभी हम ये वाला व्लॉग यहाँ पे खत्म कर देते हैं, आप लोग एंजॉय करो, बाकी हम लोग कल के व्लॉग में इसके आगे का पार्ट डाल देंगे, है ना। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना है, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत, है ना। और देखो नवाब का लुक टक्सीडो, और आज के लिए शुभ रात्रि।